विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने रिम्स में आइसोलेशन वार्ड के लोकेशन पर सवाल किए। भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर आइसोलेशन वार्ड बनाने को आग्रह किया। विधायक समरी लाल ने कहा कि जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रखे गए हैं, उसके बगल में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, विधायक विरंची नारायण और अन्य नेताओं ने इस मामले में सरकार की चुटकी भी ली और कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सहयोग से सरकार चल रही है, लेकिन उनके वार्ड के बगल में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, इससे तो अपने सहयोगी को ही खतरा है। बुधवार को विधानसभा में भाजपा विधायक दल ने नेता बाबूलाल मरांडी ने सूचना दी कि रिम्स के आइसोलेशन वार्ड से 32 लोगों ने अपनी जांच कराई है, लेकिन उनमें से 29 अपने अपने इलाकों में चले गए हैं, जिससे बीमारी फैलने की संभावना बढ़ रही है। इसका जवाब देते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अब तक कुल 27 संदिग्ध लोग रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे हैं। इनमें से 17 की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 6 लोगों की जांच के लिए ब्लड सैंपल कोलकाता भेजा गया है और 4 लोगों को सैंपल बुधवार को ही भेजा गया है। इन लोगों को आइसोलेशन में रहने का निर्देश देकर घर जाने की इजाजत दे दी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार 3 दिनों पूर्व ही सभी उपायुक्तों को इसके लिए अधिकृत कर चुकी है। वे अपने इलाकों में संदिग्ध लोगों की निगरानी करेंगे। कोई भागने या बचने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट।